तो हेलो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किरण, आप सबका दोस्त और होस्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों क्विक टेक। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं व्हाट्सएप में आप बहुत छुपे हुए ट्रिक्स वगैरह हैं और कुछ दो एप्लीकेशन ऐसे यूज़ करके आप व्हाट्सएप में जो फीचर्स नहीं है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाले वीडियो को दोस्तों, और ये वाले वीडियो को अच्छे से देखना और पूरा देखना, ट्रिक बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, आप सबको बहुत ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को जल्दी से। तो दोस्तों हमारे सामने जो पहला जो ट्रिक मैं आपके सामने लेके आ जा रहा हूँ वो व्हाट्सअप की है। व्हाट्सअप से आप व्हाट्सअप का ही ट्रिक है तो देखते हैं। तो ये मैंने व्हाट्सअप ओपन कर लिया है, दो चैट अभी मेरे सामने हैं। तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, दे दें यूज़ करने के लिए, व्हाट्सअप में हम ब्लॉग वगैरह नहीं डाला है, पर्सनल चैट वगैरह वो लोग देखते हैं या कोई पढ़ना चाहे पढ़ लेते हैं दोस्त वगैरह या कुछ। तो अभी ये इसमें क्या करना है, आपको इसमें लॉक लगा देना, पर्टिकुलर एक चैट में आप लॉक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मेरा भाई का नंबर ये वाला, तो जैसे ये इसको ओपन करूँगा यह मुझे पासवर्ड मांगेगा, जब तक मैं पासवर्ड नहीं दूंगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। ऊपर वाला जैसे देख पा रहे हो यहाँ ऑन है अभी तक। अगर मैं इसको पासवर्ड में प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ तो इस एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड वगैरह इसको कर सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ से अनलॉक का जैसे दिख रहा है, जैसे मैं लॉक कर दूंगा तो लॉक हो जाएगा। यहाँ से ऐड करके आराम से ऐड भी कर सकते हो, किसी का नंबर आता है तो उसको ऐड वगैरह यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लॉक मैंने कर दिया। जैसे ही मैं WhatsApp में फिर से जाता हूँ, जैसे ये ऊपर वाला नंबर को जैसे क्लिक करूँगा यहाँ से मुझे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड मांगने के बाद ओपन होता है, उसके बाद ओपन नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा ट्रिक है घर में या दोस्तों को देते हो WhatsApp यूज़ करने के लिए या कुछ यूज़ करने के लिए। तो पर्टिकुलर जो पर्सनल मैसेज होता है वो कोई भी नहीं पढ़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो मैं ट्रिक लेके आ रहा हूँ व्हाट्सअप से ही रिलेटेड है। तो जैसे मान लो अभी व्हाट्सअप में आप किसी से चैट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ भी तो पासवर्ड वाला, ठीक है, कुछ भी आप चैट कर रहे हो तो यहाँ जैसे देख पा रहे हो यहाँ किससे चैट कर रहे हो। जैसे पब्लिक प्लेस में आप किससे चैट कर रहे हो तो ऊपर नाम दिखाता है क्या, तो पर्टिकुलर नाम को प्लस फोटो को आप हाइड कर सकते हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा आप किससे बात कर रहे हो और क्या बात, मतलब कि नाम क्या है और फोटो क्या है। तो यहाँ क्या करना है आपको, एप्लीकेशन नाम है हाइड चैट नेम, इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में ये वाला एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टॉप है अभी, जैसे ऑन करता हूँ यहाँ साइड में एक तो बबल टाइप का आपको देखने को मिलता है। मैं होम में चला जाऊँ, जैसे देख पा रहे हो व्हाट्सअप में आता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने आया तो ये बबल टाइप का जो आता है, तो इसको क्या करना है आपको, तो जैसे ये नाम देख पा रहे हो यहाँ जैसे टिक करोगे तो आपका नाम और फोटो दोनों हाइड हो जाता है। तो आप बाकी सामने वाला जैसे चैट वगैरह कर रहे हो तो किससे बात कर रहे हो तो उसका फ़ोटो क्या है तो आपको पता नहीं चलेगा सामने वाले को। एक अच्छा एक एप्लीकेशन है और ट्रिक है व्हाट्सएप में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे एक ट्रिक मैं बताऊंगा व्हाट्सएप में। मान लीजिए आपको व्हाट्सएप में एक OTP वगैरह आता रहता है, कोई आपका नंबर जैसे दूसरे फ़ोन में ऐड कर रहा है, बार बार आपको OTP आ रहा है कि ये वेरीफिकेशन करवाओ बोल के, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा तरीका है। यहाँ जैसे देख पा रहे हो थ्री डॉट में क्लिक करना है आपको, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ आपको दिखता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे ये एनेबल मांगेगा आपको, आपको यहाँ 6 डिजिट का जो है नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। मैं सिंपल से 1 2 3 4 5 6 तो ये डाल देता हूँ, कन्फर्मेशन पे से डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल डालना है जो आपको वेरिफिकेशन करना है, तो मैं ईमेल ही तुरंत डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ईमेल में डाल दिया, कन्फर्मेशन में मैं डाल दे रहा हूँ। चलिए मैंने कन्फर्मेशन के लिए भी इसमें आपको पुट कर दिया, अब ये आ गया डन। जब भी आप ओपन करोगे कुछ भी तो दो तरीके से वेरिफिकेशन ये आपको मांगेगा, कोई आपका नेक्स्ट आपसे लॉग इन करते हो, इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो, बाद में फ़ोन बंद करके ऑन करते हो, तो ये आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगेगा। पहला आपका जो लॉक रखे हुए उसको मांगेगा, उसके बाद आपको इस ये वाला आपको मांगेगा। तो ये अच्छा एक तरीका है, जो आपको बार बार आपको OTP आता रहे तो उसको ये वाला भी उसको चाहिए। और इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फ़ोन इसको सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हो फिर से रीइंस्टॉल करते हो, तो अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन करके अनइंस्टॉल किया होगा तो आपको नॉर्मल आपका पासवर्ड देना पड़ेगा और ये वाला भी पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी जाके ही ओपन होगा वो वाला। तो ये एक ध्यान में रखना कि एक चीज़ है यहाँ पर। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ से आप डिसेबल भी कर सकते हो, यहाँ से डिसेबल करके ही आप उसको अनइंस्टॉल करना, तभी जाके वो काम करेगा नॉर्मल तरीके से जो काम करते हैं। ठीक है, अच्छा है कि कोई भी आपका व्हाट्सअप जो है हैक वगैरह इस चीज़ से प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से मिल जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों अगला मैं ट्रिक लेके आ रहा हूँ
यहाँ क्या होता है दोस्तों, आप ग्रुप बहुत सारा आप क्रिएट हो जाता है, तो दोस्तों का ग्रुप, फिर ऑफिस का ग्रुप, बाहर किसी से मिलते हो दोस्त लोग होते हैं उनका ग्रुप, फैमिली ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, फलाना ढिमकाना ये करके ग्रुप वगैरह बना लेते हैं। तो आपको अननेसेसरी कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं होना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप थ्री डॉट में क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट्स में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में, प्राइवेसी में स्क्रोल डाउन करके नीचे अगर आते हो तो यहाँ ग्रुप आता है, यहाँ तीन ऑप्शन मिलता है, एवरी वन मतलब कोई भी आपको ऐड कर सकता है ये आपको पता है, उसके बाद माई कॉन्टैक्ट्स मतलब कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो जो है वो लोग ऐड कर सकते हैं, प्लस माई कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स, फिर उसके बाद भी कोई आपको ऐड करना चाहता है तो वो ऐड कर सकता है। इसमें आपको क्या करना है, माय कॉन्टैक्ट कर देना है, तो कॉन्टैक्ट के अंदर ही जो है वो ही आपको खाली ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा चीज़ है कि खाली कॉन्टैक्ट वाले ऐड कर सकते हैं, बाहर से कोई आपको ऐड करना चाहता है तो वो आपको ऐड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डन कर देना, डन करने के बाद यहाँ से शो कर गया, आपको कोई भी ग्रुप में ऐड बिल्कुल नहीं करेगा, ये एक अच्छा फीचर्स है इसमें। तो हो भी दोस्तों आप सबको ये वाले ट्रिक पसंद आए होंगे, और बहुत जन को पता रहेंगे और बहुत जन को पता नहीं रहेंगे भी, तो जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो ये वाला ट्रिक जाकर आप यूज़ कर सकते हो। जो एप्लीकेशन में दो बताए हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ये आप एक आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर सकते हो, बट दूसरा वाला आपको नहीं मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड जरूर कर देना। और ये ट्रिक आप लोगों को कैसे लगे तो जाके वीडियो के नीचे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अलग ऐसे अलग टाइप के इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग टेक न्यूज़ या कोई भी ऐसे ट्रिक के रिलेटेड वीडियो में दोस्तों। तो फिलहाल के दोस्तों गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।